जो एक अदाकारा उसे गंदियां अश्लील गल्लां कर रही है पिछो हले लुइया के जेडे नारे लाए जा रहे हैं वो मैं तुम दिखाना चाहना भी की उन्होंने उसे बोलिया कि जेड़ा अज मसीह भाईचारे च पूरा रोश है तुम देखो सुन के ही सानू जी जी शर्म आती है और इंसल्ट महसूस होती है। दोस्तों कल ही मैंने आपको अपने चैनल से ये वीडियो दिखाया था और इस वीडियो को देख करके आपने बहुत प्यार भी दिया। बहुत सारे मसीह लोगों ने भी इस बात को समझा कि क्या गलत है और क्या सही है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो ये कंट्रोवर्सी प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्रीज और अंकु नरोला मिनिस्ट्रीज के बीच में हुई है ये अब काफी बढ़ चुकी है। बढ़ने से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि इसमें बहुत सारे पास्टर हैं जो कि अंकु नरोला जी के साथ खड़े हो चुके हैं और जो अंकु नरोला जी के जो चर्च के प्रधान हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में बोली गई और जो बॉलीवुड के सितारों को बुला करके वहां पर क्रिश्चियनिटी का तमाशा बनाया गया उन सब बातों पर बोली गई वो बातें अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद फिर हम बात मैं तुम दस देना चाहना भी जो हालेलुया दा शब्द है वो साडे लिए बहुत ज्यादा पवित्र शब्द है असी बहुत ज्यादा सत्कार करते हैं वो सत्कार दे नाम नाम लेने हालेलुया शब्द का और जदों किसी थां ते जिहड़े फिल्म एक्टर सी फिल्म अधिकार सी उन्होंने बुलाया गया और बुला के उन्होंने उत्थे जो गंदियां गल्लां कीतियां देखो जिहड़ी प्रजा वा वह परमेश्वर की निजी प्रजा वा जिन्हें भी लोग चर्च च आउंदे ने असीं उन्हां नूं परमेश्वर के लोग समझ के एक चंगी गल्लां उन्हां नूं चंगीआं गल्लां सिखाई दियां वा चंगा जिहड़े साडे पास्टर ने प्रीस्ट ने चंगीआं गल्लां उन्हां नूं दसदे ने और उस चर्च के जो ये कहा जाता भी मैनू एक मुंडा चाहिए जिन्ना मैं विआह करवाउणा और जे कोई विआह वरिया भी आ वो अपना करैक्टर खराब कर ले दसो असी लोगों को की सेध दे रहे हैं की लोगों को असी समझा रहे हैं भी ये गल्लां चंगीआं है। मैं तुहाडे माध्यम राहीं दस देना चाहुंदा भी जे अगे भी किते किसी भी बंदे कोई भी बंदा अपने चर्च च इदां दा काम करेगा जां पास्टर बलजिंदर ही करेगा तो उन्होंने जिहड़ा लीगल नोटिस भेजांगे क्योंकि लीगल नोटिस असीं उन्हूं तां भेजांगे क्योंकि वह जिहड़ी साडे हालेलुया शब्द की बेइज्जती भी की उन्हें जो एक अदाकारा उत्थे गंदियां अश्लील गल्लां कर रही आ पिछों हालेलुया दे जिहड़े नारे लाए जा रहे हैं वो मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा भी की उन्होंने उत्थे बोलिया किहदे नाल जिहड़ा अज मसीह भाईचारे च पूरा रोश है तुसीं देखो सुन के ही सानू जिहड़ी है ये जिहड़ी शर्म आउंदी है और इंसल्ट महसूस होंदी है भी ये गल्लां इहो सुनण वालियां नहीं आ देखो नीयत खराब होनी चाहिए है देखो देखो परमेश्वर के घर गुरु घर से गल करने वाली जी बिल्कुल अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया। मैं आपको बता दूं इनका नाम है गौरव अंकु नरोला मिनिस्ट्रीज के प्रधान हैं। मैं इनकी पहले भी बहुत सारी वीडियोस आपको अपने चैनल से दिखा चुका हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये सच के साथ खड़े रहते हैं और सही बात को ही करते हैं बेफजूल में बेकार की बातों पे कभी भी ये विरोध नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसा आप जानते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्रीज में जो हुआ है 25 दिसंबर को और 31 दिसंबर की रात को जो फिल्मी सितारों को बुला करके तमाशा बनाया गया क्रिश्चियनिटी का उन सब के खिलाफ इन्होंने जो बातें बोली आपने सुनी। हो सकता है दोस्तों आपको ना समझ में आई हो मैं आपको बता दूं इनका ऐसा कहना है कि जो मसीह लोग होते हैं उनको हम लोग परमेश्वर के बारे में बताते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं और अच्छी चीजें सिखाते हैं लेकिन यहाँ पर जो किया गया वो बहुत गलत था और इन लोगों ने हालेलुया शब्द का मजाक बनाया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने तो कोई भी हालेलुया शब्द को गलत नहीं बोला ना ही वहाँ पर जो खड़े लोग थे जो उन्होंने बुला रखे थे एक्टर और एक्ट्रेस उन्होंने बोला। जी हाँ बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हालेलुया शब्द को लेकिन जब ये लोग स्टेज पर खड़े होकर के गंदे गंदे फिल्मी डायलॉग बोल रहे थे गंदी गंदी बातें बोल रहे थे तो उनके पीछे से जिसके हाथ में माइक था वो हर बात पर हालेलुया शब्द के नारे लगा रहे थे और उनके साथ साथ कलीसिया भी फिर हालेलुया शब्द के नारे लगा रही थी जो कि बहुत गलत है। और उसके बाद गौरव जी ने जो वीडियो दिखाई अपने फोन में लैपटॉप में उसमें भी आपने सुना किस तरीके से ये लोग सच में ऐसा ही कर रहे हैं वो गलत डायलॉग बोल रहे हैं गंदे डायलॉग बोल रहे हैं
और ये लोग पीछे से हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। मतलब ये इतने बेकार लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि हालेलुया का नारा कहाँ पर लगाना चाहिए। वो कोई भी गलत डायलॉग बोल रहे हैं और ये लोग हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के इन लोगों ने विरोध किया। मैं आपको बता दूं, आपने देखा इधर बहुत सारे पास्टर इकट्ठे हुए हैं, जो अंकुर नरोला जी के मिनिस्ट्री के जो प्रधान है उनके साथ जो ये सब बैठे आपको दिख रहे हैं इस फोटो में, ये सब लोग पास्टर हैं। और आपने देखा इसमें अमरी संधु जी भी यहाँ पर शामिल हैं, ये भी इनके साथ गए। इन्होंने भी इस बात के लिए विरोध जताया। कुछ अनपढ़ जनता हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाती है कि तुम जज मत करो। अरे मूर्ख लोगों, हम लोग जज नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग तो आप लोगों के लिए इन वीडियोस को बनाते हैं कि आप इन सब बातों को देख करके समझ जाएं कि आपको कौन सी चर्च में जाना चाहिए, कौन से परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवानी चाहिए। ऐसी चर्च में जाकर के आप क्या सीखेंगे, आप खुद सोच लीजिए। इतनी अश्लील बातें इन्होंने स्टेज से करी हैं, वो भी मसीह लोगों के बीच में, जहाँ पर पवित्रताई के बारे में सिखाया जाता है और परमेश्वर का वचन भी हमें बोलता है, मत्ती 7:16 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक वचन पढ़ा है कि तुम जज मत करो, तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। वो इस बात को नहीं समझते कि बाइबल ही हमें अधिकार देती है कि हम ऐसे लोगों को परखें। और कुछ ऑडियंस ऐसी है जिनको ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं तो परमेश्वर ही वहां पर है। बल्कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जानते हैं लोग पीर मजारों पर जाते हैं, दूसरे मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाते हैं, वहां पर भी चमत्कार होते हैं। तो क्या वहां पर भी हमारा परमेश्वर चमत्कार कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर आपको पता है कौन चमत्कार करता है। तो इसीलिए आप इस बात को भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि वहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर वहां पर है। चिन्ह चमत्कार शैतान भी कर सकता है। शैतान ऐसे ऐसे चमत्कार आपके सामने करके दिखा सकता है कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे और आप तुरंत विश्वास कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो जो भविष्यवाणियां करते हैं बिल्कुल सच हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कहीं पर बाढ़ आएगी, मैं भी भविष्यवाणी करके बोल दूंगा तो आपको पता है एक साल में कितनी जगहों पर बाढ़ आ जाती है। अगर मैं बोल दूंगा इस बात को कि साल में 4 या 5 बार आपको भूकंप के झटके देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको खुद को पता है साल में कितनों ही बार कहां कहां पर भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। और आपको मैं बता दूं, भविष्यवाणी सिर्फ पास्टर ही नहीं करते हैं, बहुत सारे मौलवी हैं वो भी फ्यूचर बताते हैं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो कि आपको आपका फ्यूचर बता देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर उनके साथ है, फ्यूचर शैतान भी बता सकता है। मुझे आज भी याद है प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने एक भविष्यवाणी की थी जब कोविड बिल्कुल एंडिंग टाइम पर था कि एक और ऐसी महामारी फैलेगी अरब कंट्रीज की तरफ से जो कि सबको फिर से झिकझोड़ करके रख देगी। कुछ ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। मैं आपको बता दूं, कोविड खत्म हुए तो 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे वो भविष्यवाणी कहीं से भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही। इन्होंने भविष्यवाणी करी थी कुछ साल पहले कि दिल्ली में जो MCD के चुनाव होंगे उसमें भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा, लेकिन वहां कमल नहीं खिला बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीती। बस दोस्तों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आप चिन्ह और चमत्कार को देख करके परमेश्वर के वचन को साइड में मत रखें, क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। शैतान जानता है अगर आपको वचन पता लग गया तो आपको डिलीवरेंस मिल जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे, आप ऐसे लोगों से बच जाएंगे। बल्कि शैतान आपको बांध कर रखना चाहता है ऐसे लोगों के बीच में जिनसे आप गलत चीजें सीखें और उसका राज्य बढ़े। लेकिन हमें गलत चीजें नहीं सीखनी है, 2024 शुरू हो चुका है, हमें अच्छी चीजें सीखनी है। और जो एक कमेंट में लिखते फिरते हैं कि तुम जज कर रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल ने मुझे अधिकार दिया कि तुम ऐसे लोगों को परखो। और दूसरी बात, मुझे तुमसे सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि अंधे बने बैठे हैं। पता है कि 25-25, 40-40 हज़ार रुपए प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तेल पानी बेचा जा रहा है, बाइबल के हिसाब से ये सारी बातें गलत है। इन सबको जानते हुए भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पैरों में गिरे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के तो मुंह में बिल्कुल भी लगना नहीं चाहता हूं। मैं आज आपको दोस्तों एक बहुत बड़ी बात अपने चैनल से बता रहा हूं। आप मेरी इस बात को आज ही अपनी डायरी में नोट कर लें, चाहे डेट के साथ, समय के साथ। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक ऐसा चेहरा है जो कि मसीहत को बहुत तगड़ा नुकसान देगा आने वाले समय में, और क्रिश्चियनिटी बिल्कुल बदनाम होकर के रह जाएगी और लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग इस बात को बोला करेंगे कि क्रिश्चियनिटी तो फेक है। आज जितने लोग बोलते हैं वो तो कुछ भी नहीं, उस समय पर जो होगा आप खुद देखेंगे कितना नुकसान क्रिश्चियनिटी को इस वजह से होगा, इस व्यक्ति के वजह से होगा। लोग पास्टरों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। जो अन्य जातियां जिनको पास्टर सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो लोग भी इस बात को सोचा करेंगे कि ये भी बजिंदर के जैसा ही है। आशा करता हूं दोस्तों कुछ तो आपकी बुद्धि इस वीडियो से खुली होगी। अगर इस वीडियो से 1-2 लोग भी बच जाएं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।